the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again let's understand how your system your body works or kase apki body सेल में सेलुलर सिस्टम में रेस्पिरेशन होता है कैसे एनर्जी जनरेट होती है बिकॉज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अगर आप वेट लूज करना चाहते हो अगर आप फास्टिंग करते हो अगर आप इंटरमीटेंट फास्टिंग के बारे में सोच रहे हो अगर आप एक्सरसाइज करते हो अगर आप एथलीट हो अगर आप स्पोर्ट्स में हो अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हो अगर आप मोटे हो अगर आप बहुत पतले हो तो अगर आपको कोई बीमारी है तो भी ये सारी डायबिटीज़ है तो भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में एनर्जी सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं आपके सेल के अंदर ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी नीड्स एनर्जी हर एक सेल को आपके शरीर में ताकत चाहिए वो ताकत वो एनर्जी वो काम करने के लिए स्टोर्ड नहीं होती स्टोर्ड नहीं होती है वो एनर्जी मिलती है ए मॉलिक्यूल सब उसके बारे में पहले समझो मान लो मान लो आप दौड़ रहे हो एक रेस में बहुत तेज दौड़ रहे हो दौड़ने के लिए ब्रीदिंग हो रही है ऑक्सीजन ले रहे हो राइट right? सो so, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो उसके साथ ऑक्सीजन ताकि आप सांस ले पाओ भाग पाओ और वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से आपको एनर्जी मिल रही है आपके सेल्स के अंदर आपके मसल्स के अंदर लेकिन लेकिन जैसे जैसे आप भागते रह रहे हो भागते रह रहे हो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और एक लेवल आता है जब आपकी मसल जो है 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 थकने लगती है। थक जाती है और वो उठ नहीं पाती स्पीड स्लो हो जाता है एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे दो टाइप के रेस्पिरेशन हो रहे हैं एक एरोबिक रेस्पिरेशन एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ एन एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बगैर ना इसमें क्या है और क्यों रिक्वायर्ड है क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं देखो जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन uh, के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन के सो so, आपकी मसल्स को एक्सरसाइज के दौरान या फास्टिंग के दौरान या कोई भी बड़ी सी एक्टिविटी के दौरान और ज्यादा और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कई बार दौड़ते समय खासकर आपकी बॉडी नहीं प्रोवाइड करती आपके लंग नहीं कीप अप नहीं कर पा सकते अगर खासकर अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हो सो so, क्या हो जाता है आप क्या रुक जाओगे नहीं अब मैं नहीं दौड़ सकता कई लोग रुक जाते लेकिन वो रुकने से पहले आपकी सेकेंडरी सिस्टम आपकी बॉडी का एक और सिस्टम एन एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाता है साथ में ना वट इज दैट एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन ये सारे के सारे एनिमल सारे प्लांट सब में होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन uh, से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है आपकी बॉडी के अंदर और उस प्रोसेस में गाइकोलिसिस और बाकी सारे प्रोसेस में बीच में एटीपी जनरेट होता है एटीपी इज दी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जिसमें से फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल के एनर्जी देता है आपको इतना ही समझना है डिटेल्स में बायोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप घुस सकते हैं आप एरोबिक एनोरोबिक रेस्पिरेशन पे बट यहां पर हमें समझना है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ ये एक अकेला ऑक्सीजन से ए जनरेशन ही एनर्जी का स्रोत नहीं है आपकी बॉडी का आपकी बॉडी बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी जनरेट कर सकती है उस केस में एनर्जी जनरेट हो रही है उसी ग्लूकोज से उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी बनाती है लेकिन हाफ मेटोबोलाइज करती है नॉर्मल ग्लूकोज टूट के पूरा टूटता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और थोड़े बहुत वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं यहां पर जो बिना ऑक्सीजन के

थक जाते हो पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा राइट और अगर आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो तो स्लो जॉगिंग दौड़ते दौड़ते हो सकता है आप दो घंटे तक आ सकता है एक घंटा चल जाए सो so, क्यों ऐसा क्यों एक घंटा चल पाते हैं क्यों तेज दौड़ने से जल्दी थक जाते हैं जल्दी बेसिक चीज है जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो उस समय बॉडी बहुत तेज एनर्जी चाहिए वो इतनी तेज एनर्जी एरोबिकली ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज करके नहीं दे पाता तो उस समय आपका ये लैक्टिक एसिड वाला एन एरोबिक सिस्टम किक इन कर जाता है इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनिशियल लेवल पे जितना भी ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ना बॉडी के अंदर मसल के अंदर ब्लड के अंदर वो फटफट फटफट -फट -फट यूज होता है उसके बाद ये ग्लूकोस ग्लाइकोजन के माध्यम से ग्लूकोस बड़े स्टॉक में ग्लाइकोजन बनके आपकी मसल्स में स्टोर है आपके लिवर में स्टोर है सो तो मसल ग्लाइकोजन यूज होना शुरू होता है लेकिन वो स्लो है वो भी स्लो प्रोसेस है और अगर आप फटफट फटफट दौड़ेंगे फट 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 दौड़ेंगे तो उस समय एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो याद रखिए जब आप तेज दौड़ते हो इनिशियली 70 टू 80 परसेंट सारी एनर्जी आपकी ग्लूकोज से यूज होती है फैट से सिर्फ 10 परसेंट फाइव परसेंट यूज होती है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि फैट से ये जो लैक्टिक एसिडीज होता है, है तो ये फास्ट जनरेट जल्दी होगा लेकिन जितना जल्दी जल्दी एक्टेड जनरेट होगा उतनी जल्दी मसल थक जाएगी बिकॉज़ लैक्टिक एसिड जितने एक टॉक्सिक सबस्टांस है अगर आपकी मसल में डेवलप होगा वो मसल को रोक देगा और काम नहीं कर सकती और काम नहीं कर सकती ऐसे सो so, इस लैक्टिक एसिड को निकालने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए इस लैक्टिक एसिड को भी फिर ऑक्सीजन से मेटाबोलाइज करके धीरे धीरे, धीरे 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 मसल से निकाला जाता है इसीलिए जब आप रेगुलर स्लोली एक्सरसाइज करते हो तो लंबे समय कर पाते हो और उस समय आपकी बॉडी ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बना भी सकती है और स्लोली निकालते भी जा सकती है इसलिए लंबे समय तक एनर्जी दे पाती है लेकिन तुरंत भागने पे यह लैक्टिक एसिड उतनी जल्दी नहीं निकल पाता और आपकी मसल के अंदर जमा होकर मसल को जल्दी थका देता है so यहां दो बात रिमेंबर करनी जरूरी है एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बन रही है जो आपका प्राइमरी सोर्स है एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि जल्दी भी होता है और लंबे समय तक रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितना लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है तो थोड़े बहुत काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है रेगुलर जो सारा दिन खड़े रहते हो सारा दिन काम करते हो दैट कैन बी यूज सो देन सेकेंड एनर्जी इज योर एन एरोबिक जिसमें ग्लूकोस हाफ टूट रहा है लैक्टिक एसिड बन रहा है लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है उसको निकालना भी जरूरी है इसीलिए पानी पीते रहना जरूरी है जो नहीं पी पाते डिहाइड्रेशन से एसिडोसिस हो जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं क्योंकि पानी और ऑक्सीजन ये दो चीजें जरूरी है आपके बॉडी के अंदर से ये एसिड को निकालने के लिए सो दिस आर आर द टू कॉन्सेप्ट जो समझना क्यों जरूरी है मान लो आप फास्टिंग करते हो जब आप देखो दौड़ने का एग्जांपल तो बता दिया तेज दौड़ रहे स्लो दौड़ रहे अब सेकंड सेकंड ऑप्शन है आपने खाना नहीं खाया जब आपने खाना नहीं खाया तो बॉडी में क्या हो जाता है बॉडी में ग्लूकोस ही कम हो जाता है वेन यू डोंट है थर्ड एरिया आ जाता है बीटोक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड साथ में आपके फैट मेटाबोलाइज होते हैं फैट मेटाबोलाइज होकर वहां वो भी इसी साइकिल में घुसते हैं क्रेप साइकिल साइकिल में आपके एसिडल को एंजाइम ए देते हैं साथ में आपके वहां पर फिर लैक्टिक एसिड की टोन बॉडीज ये सारी चीजें बनानी शुरू करते हैं कीटोन्स अपने आप में एक अलग प्रोसेस है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है लेकिन यहाँ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एक बहुत खूंखार मेथड है जो फास्ट आपकी बॉडी में लैक्टेट बनाता है तो so, ये दो मेथड एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन समझना बहुत जरूरी है आपके डिमांड और एक्सरसाइज के लिए और फास्टिंग या वेट लॉस गोल के लिए क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हो और प्रॉपर मात्रा में ब्रीदिंग नहीं कर रहे सांस रोक के एक्सरसाइज कर रहे हो तो विदाउट ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाता है बहुत जल्दी मसल थक जाती है ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते और विदाउट ब्रीदिंग इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है हाई कर सकते है, जब आप सांस रोक के एक्सरसाइज करते हो ना वेसोवेगल सिंकोप हो सकता है लिटरली यहां पर आपके चेस्ट में प्रेशर रोके सो दैट इज अ डिफरेंट सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ये एक जनरल डिस्कशन था आपका ताकि आपको समझे कैसे होता है मसल क्रैम्स लैक्टिक एसिड से कैसे आपकी बॉडी रेस्पिरेशन और एनोरोबिक रेस्पिरेशन करती है फटीक दिस एक्सप्लेन्स कौन जितनी जल्दी थक जाता है कौन नहीं थकता राइट सो दीज आर दम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और कई सारे आ, कई सारे जो आप फैट बर्नर्स लेते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है इस इंपॉर्टेंट सिस्टम को रोक देते हैं वो लोग अगर आपके इम्पोर्टेंट सिस्टम को रोक देंगे तो आपकी क्षमताएं कम हो जाती है और एक डी नाम का फैट बर्नर है जो कि बहुत डेंजरस है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रोक देता है लिटरली ऑक्सीजन वाला सिस्टम बंद कर देता है ऑक्सीजन वाला सिस्टम ही बंद हो जाता है वो रेलगाड़ी से निकल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एन एरोबिक सिस्टम रह जाता है जो एनर्जी तो तुरंत देगा और फैट फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है वो तो होगा फैट लॉस होगा लेकिन बॉडी के अंदर एसिड इतना जमा होगा और फैट लॉस से हीट इतनी जनरेट होगी कि शरीर लिटरली मेल्ट होने लगता है आपके ऑर्गन आपका दिमाग आपका ब्रेन मेल्ट होने लगता है और डी अपने आप में एक जानलेवा लेवा टॉक्सिन पॉइन है जिससे आज तक सत्तर अस्सी से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक और महिला की जान गई है इसके वजह से इसीलिए टॉपिक समझाना जरूरी था सो किसी भी प्रकार का फैट बर्नर थर्मोजेनेसिस आप लेते हो वो डेंजरस होता है सो इस सिस्टम को समझो आप अपना ग्लूकोस इंटेक कम करो फैट कम करने के बहुत से तरीके हैं डोंट एवर थिंक अबाउट टेकिंग एनी फैट बर्नर फैट बर्नर के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा दूसरे चैनल में फिटनेस एंड न्यूट्रिशन वाले चैनल में अगर अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे और जस्ट टाइप डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी